ना ना रोकने के लिए नहीं बोले, रोकने के लिए कहा बोले बोले मेरी और ना ना वो बुकलेट अपना कुछ सर 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 लोअर लेवल पर दे रहे हैं ना ना रोकने के लिए नहीं बोले, रोकने के लिए कहा बोले बोले मेरी और ना ना वो बुकलेट अपना कुछ सर 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 लोअर लेवल पर दे रहे हैं ना ना रोकने के लिए नहीं बोले, रोकने के लिए कहा बोले बोले मेरी और ना ना वो बुकलेट अपना कुछ मतदान केंद्रों से अब तक एक दर्जन से अधिक लोग जो फर्जी मतदान करने का प्रयास कर रहे थे, फर्जी वोटर कार्ड लेके आधार कार्ड लेके आए थे, तो अधिकांश महिलाएं और एकाध प्रत्याशी भी पकड़े गए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी, वहां उनका एजेंट भी था, वो भी ज़बरदस्ती मतदान केंद्र में काफ़ी देर से टिके हुए थे, लोग उनका विरोध कर रहे थे, मान नहीं रहे थे, उनको भी डिटेन किया गया है। क्या कोई प्रत्याशी पकड़ा गया? हाँ जी, अभी यहाँ मिफ्ताहुल मदरसा से चौक के पास से यहाँ से प्रत्याशी जो लगातार भीतर बने हुए थे, जबकि उनका एजेंट था, उनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उनको रोका गया है। संदेह होने पर और फिर बायोमेट्रिक से चेक कर लिया जा रहा है, नाम पता पूछ के, तो जिस पर संदेह हो रहा है तो उसमें से कुछ लोग निश्चित रूप से मिल जा रहे हैं। आधार कार्ड का भी मिलान किया जा रहा है, आधार कार्ड का बायोमेट्रिक से मिलान किया जा रहा है जब संदेह हो रहा है तो। अभी तक कुल साल कितने पकड़े गए? एक दर्जन से अधिक लोग पकड़े गए हैं, उसमें अधिकांश महिलाएँ हैं। क्या सर ये स्वच्छ मतदान के लिए और लोकतंत्र के लिए फर्जी मतदान को रोकना हमारा दायित्व है सबका, तो वो काम हम कर रहे हैं और उसमें जो फर्जी मतदान करने आ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।